तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट एसएसटी के प्रैक्टिस पेपर को, ठीक है। इससे पहले कल आपका हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों शिफ्ट मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट की ऑफिशियल आंसर की अपलोड हो चुकी है, कमेंट में लिंक पेस्ट है वही आंसर की जो स्कूल को आती है। और अभी तक आपके तीन पेपर हुए हैं, तीनों की आंसर की अपलोड है जो स्कूल को आती है, बिना डाउट के देख सकते हो, कमेंट में लिंक पेस्ट है क्लास नाइन्थ टू ट्वेल्थ की, एक साथ मिल जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग टाइटल देख लो, थंबनेल देख लो और मैच कर लो कितना राइट किया कितना रॉन्ग किया, ठीक है ना, कमेंट चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर वन, एमसीक्यू है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? भूमि ये है, श्रम भी है, पूंजी भी है, तो ऑप्शन हमें मिल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों हैं, क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी। तो फर्स्ट में आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन सेकंड, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है ताजिकिस्तान, ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है। आगे क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, महात्मा गांधी। ठीक है, आगे गलत मिलान की पहचान कीजिए, रोबेसपियर शासक, लुई सोल्वे शासक, जॉन लॉक शासक, नेपोलियन शासक। तो यहाँ पर सी राइट है, ये शासक नहीं था, ठीक है, ये राइट है। आगे सत्रह सौ चौरानबे तक फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? लीवरे, रुपया, डॉलर, टका। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला, टाइल से आप क्या समझते हैं? ए, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर, फ्रांस की मुद्रा, चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। क्वेश्चन सेवन, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा, दूसरा कारण का, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना, अरुणाचल एवं गुजरात के समय 2 घंटे का अंतर है, तो ये बात राइट है, 2 घंटे का अंतर है। कारण, भारत की मानक समय रेखा का मान 82 डिग्री 30 मिनट है,
तो ये भी राइट है। और ये रीज़न है 2 घंटे के अंतर का, तो मतलब ये इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों बातें सही हों, कारण संकल्पना की व्याख्या करें, तो ए ऑप्शन लगाते हैं, दोनों सही हो लेकिन व्याख्या ना करें तो बी, अगर सा सही हो संकल्पना, कारण गलत हो तो सी लगाते हैं, अगर संकल्पना सही गलत हो और कारण सही हो तो डी लगाते हैं। तो यहाँ पर दोनों राइट हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ए। ठीक है, क्लियर है, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये बात सही है। दूसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छे से सुलझाती हैं, ये भी सही है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, उपरोक्त सभी। ठीक, क्वेश्चन 9, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना दूसरा कारण, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना सेम क्वेश्चन नंबर 7 के देश हैं, जिस देश के पास संविधान है वे देश लोकतांत्रिक हों, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यह ज़रूरी नहीं है, तो सही कह रहा है। अगला कारण, संविधान सिर्फ शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, तो जो संविधान है शासन की पद्धति के विषय में जानकारी देता है, ये गलत है। ठीक है, बहुत सारी बातों की जानकारी देता है, तो मतलब ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर संकल्पना सही है, कारण गलत है, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे, सी। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था? 1, 2, 3, 4, तो सबको पता होगा 3, सी ऑप्शन राइट है 3। ठीक है, ग्यारहवां, नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण का, कथनों को पढ़िए सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना, गांवों में मौसमी बेरोजगारी बहुतायत पाई जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये बात सही है। कारण, कृषि पर आश्रित होने के कारण कई लोग को कई माह बेरोजगार बैठना पड़ता है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि सीजन वाइज काम वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है बेरोजगारी का। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों सही हैं और कारण संकल्पना की व्याख्या कर रहा है, तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस कानून के द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन के रोजगार को सुनिश्चित किया? पहला, स्कूल चले हम। दूसरा, काम के बदले अनाज। तीसरा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। चौथा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पालमपुर की प्रमुख आर्थिक क्रिया डैश है, तो क्या है? कृषि। ठीक है, कृषि है। अगला, रेखांकित तथ्यों को सही करके वाक्य को लिखिए। तो यहाँ पर लिखा है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। तो यहाँ पर अंडरलाइन है, मतलब यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर रूसो ने नहीं की थी, किसने की थी? यहाँ पर फिल कर लेना, रूसो की जगह लिख लेना मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इन्होंने की थी, मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, रूसो की जगह फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे, पंद्रह, सत्य अथवा असत्य बताइए। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल की पैदावार करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़िए और बताइए कि संबंधित व्यक्ति रोजगार में है या बेरोजगार है। तो क्वेश्चन है, दिनेश दिल्ली में एक दिहाड़ी मजदूर हैं। वे प्रत्येक दिन 150 रुपये कमाते हैं, जबकि प्रचलित दैनिक मजदूरी उनकी आय से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, रोजगार और बेरोजगार की बात हो रही है। तो रोज़गार तो उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर उसको कैसा मिल रहा है? अल्प रोज़गार की बात हो रही है, बेरोज़गार भी नहीं कह सकते। ठीक है, और रोज़गार में कम कीमत है तो अल्प रोज़गार बोल सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों के बीच की कंडीशन है, रोज़गार और बेरोज़गार के। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको अल्प रोज़गार लिखना है। ठीक है, अगला देखो, 17, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उसके लिए एक परिभाषिक शब्द लिखिए। हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने, तो एक शब्द में क्या बोलेंगे इसको? यहाँ पर आपको लिखना है, बंधुता। ठीक है, ये एक शब्द में आंसर देना आपको इसमें, 17 में। ठीक, अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई डैश ने की, तो किसने की? यहाँ पर आपको फिल करना है जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये आंसर नंबर 18 में फिल करना है।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, महिमा मालाबार तट पर है, वह इस बात को लेकर दुविधा में है कि वह पूर्वी तटीय मैदान पर है या पश्चिमी तटीय मैदान पर। बताइए वर्तमान में महिमा भारत के किस तटीय मैदान पर है। तो आंसर में लिखना है आपको पश्चिमी तटीय मैदान पर, पश्चिमी तटीय मैदान पर। ठीक है, आंसर में आपको लिखना पश्चिमी तटीय मैदान पर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, समानता शब्द से आप क्या समझते हैं। आंसर देखो, आंसर में लिखना है आपको समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। बस ये आपका आंसर एक नंबर का, यहाँ से लिखना है रखते हैं, यहीं तक आपको लिख देना है बस, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समानता का अर्थ क्लियर है। आगे देखो, इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, न्याय शब्द से आप क्या समझते हैं। न्याय, आंसर देखो, इसमें आपको लिखना आंसर में किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था किन्हीं तत्वों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती अथवा पनपती है। यहीं तक आपका आंसर हो गया एक नंबर का, ठीक है। चाहो तो आप इतना ही लिख सकते हो, किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है, या फिर आप बुक से भी और शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 to 20 की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तब तक कमेंट देख लीजिए और ऑफिशियल आंसर की मैच कर लीजिए कि आपने कितना राइट किया है कितना रॉन्ग किया है, ओके, तो कमेंट चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।